बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोग से शेयर करेंगे आसान तरीके से चिकन का अचार बनाने की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ 1 किलो चिकन ले लेंगे और इसके मीडियम से पीसेस कर लेना है। तो अब देखिए, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से 1 टेबल स्पून और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसे आधे घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख देंगे और जब तक हम अचार का मसाला रेडी कर लेंगे। और यहाँ ले लेंगे पैन और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून राया और 1 टेबल स्पून सौंफ और 7 से 8 सूखे हुए लाल मिर्ची। इन सबको हम डाल देंगे और डालेंगे 10 से 12 लौंग और 2 छोटे से दालचीनी के टुकड़े और 1/2 टीस्पून शाह जीरा और 7 से 8 इलायची। इन सबको हम 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रखकर भून लेंगे इसका लाइट कलर चेंज हुए तक। तो देखिए, इसे भूनने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसी पैन में डाल देंगे 1 टीस्पून मेथी दाना और 1/2 टीस्पून कलौंजी। इसे हम अलग से इसलिए भूनेंगे क्योंकि ये जल्दी भुने जाते हैं। अगर हम इसे सारे मसालों के साथ भूनेंगे तो ये जल जाएंगे, इसलिए हम इसे अलग ही भूनेंगे। अब इसे भी भूनने के बाद ये भुना हुआ मसाला हम ग्राइंड कर इसका पाउडर बना लेंगे। तो देखिए, अचार का पाउडर रेडी है। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसमें तेल डाल देंगे। तेल आप अपने हिसाब से डालिए और फिर इसमें डालेंगे थोड़े से करी पत्ते और 2 सूखे हुए लाल मिर्च और 5 लहसुन के कलियां डाल देंगे और 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और इसे 1 से 2 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे और फिर डालेंगे ये मैरिनेट किया हुआ चिकन। अब हम इसे पका लेंगे जब तक चिकन में से जो पानी निकलेगा वो सूख ना जाए। तो देखिए, चिकन में से जो पानी निकला है वो अच्छे से सूख गया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर रखकर फ्राई कर लेंगे इसका लाइट कलर चेंज हुए तक। तो देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। इस तरह से फ्राई करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन की कच्ची बू निकल जाए। 1 से 2 मिनट के बाद आप हम स्टोव ऑफ कर देंगे और फिर इसमें डाल देंगे मिर्ची पाउडर। तो यहाँ हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए और फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे और डालेंगे 2 टेबल स्पून मसाला पाउडर जो हमने पहले अचार का बना लिया है और फिर इसे मिला लेंगे और फिर डालेंगे मेथी और कलौंजी का पाउडर जो हम इसे पहले रोस्ट कर फिर पीस लिए थे। और फिर एक पैन में तेल ले लेंगे और इसमें डालेंगे 3 सूखे हुए लाल मिर्ची और 2 टेबल स्पून चॉप्ड करा हुआ लहसुन और थोड़े से करी पत्ते डाल देंगे। इसे पहले लाइट फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1/2 टीस्पून मेथी दाना। अब हम इसे लो फ्लेम पर रखकर फ्राई कर लेंगे इसका लाइट कलर चेंज हुए तक। तो देखिए, ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे ये अचार पर डाल देंगे और फिर डालेंगे आधा नींबू का रस और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो अब देखिए, हमारे चिकन का अचार अब बनकर रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार बना है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।